या कोई एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बनता है? जनता का आशीर्वाद होता है। और हमें गर्व कहते हुए कांग्रेस की जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत महात्मा गांधी के जमाने में बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, आप सोच लीजिए 70-75 साल हो गए हैं, हमें पास हो जाता है। और पिछले साल में यहाँ पर पाकिस्तान की तरह कभी भी बंदूकों का राज नहीं आया, सैनिकों का शासन नहीं हुआ, राजनीतिक की हत्या नहीं हुई देश के अंदर, चुनाव में हमेशा इधरी चुनाव हार गई सत्ता सौंपनी मुरारी भाई देसाई। कितनी बार सरकार बदली है और सरकार बदल दी, वाजपेयी हार गए सत्ता सौंपनी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने इनकार कर दिया था नहीं मेरी डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर साहब की पत्थर जी व्यवस्थित डॉक्टर मनमोहन सिंह का हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया को मान के उनका किस प्रकार के अर्थशास्त्री है, किस प्रकार वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जानते हैं। इसीलिए दुनिया भर में जब मंदी का दौर था तो आपने महसूस किया होगा हिंदुस्तान के अंदर उनकी नीति को परिणाम था कि हमें आज भी स्थिति भुगतनी पड़ती है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, राहुल गांधी दिल्ली पड़े हैं कारवा लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के नाम से, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से डॉक्टर मनमोहन जी ने वक्त ऐसी नहीं बनी थी, महंगाई हुई थी बीच में दुनिया भर में हुई थी, हमने कंट्रोल किया देश के अंदर, बड़े दुख है कि आज देश में हालात बदले हुए हैं, महंगाई की चोट है, बेरोजगारी, लोगों में आक्रोश है, युवाओं के अंदर तनाव अलग है, हिंदू के नाम पे मुस्लिम के नाम पर तनाव, अच्छी बात है, हर एक धर्म प्यारा था, हिंदू नहीं है क्या, गांधी जी हिंदू नहीं थे क्या, जब गोली लगी शीले में गांधी जी के क्या बोले वो, हे राम,